करना, दीज आर ऑल लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, यू नो, एंड वो एक्सपीरियंस होना चाहिए यार, जिंदगी को पूरा जीना चाहिए, मौका मिला तो कर लो। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। मयूर सर के बर्थडे पर फीचर किया हुआ हमारा पिछले वीडियो को, जो आप सभी ने बेशुमार प्यार और सपोर्ट दिया है, खास करके कमेंट सेक्शन बर्थडे विशेष से भर दिए है, उसके लिए मैं आप सभी व्यूअर्स को मयूर सर और डिस्कस निंजा की ओर से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। इस वीडियो में मयूर सर से बातें कंटिन्यू करते हुए हम उनकी विजन एंड फ्यूचर वेंचर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही फिश रिलेटेड वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। तो आइए अब सीधा मयूर सर से ही बातें कंटिन्यू करते हैं। मयूर सर, मुझे एक बात पूछनी थी। अभी आपके रिसेंट वीडियोस में जो जंगल सफारी और नेचर का आपका टूर था, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर पाएंगे? अगेन, ये जंगल सफारी एक बहाना है, वो वापस कुदरत में जाने का एक मौका है, बहाना है। बिल्कुल सर, इट्स लाइक गोइंग बैक इनटू नेचर। वो यू नो रिचार्ज बटन है मेरा। Okay. जब भी मैं सफारी में जाता हूँ, जंगल में वापस जाता हूँ, तो रिचार्ज होता हूँ कंप्लीट, एंड वापस आके यही रोजमर्रा का यू नो बिजनेस एंड ऑफिस एंड वीडियोस एंड एक्वास्केपिंग, उसमें वो एक एनर्जी वापस आता है। बिल्कुल। ओके, सो जंगल सफारी इज दैट सेम रीजन। मैं लाइक आई वाज टेलिंग यू, स्कूल में, कॉलेज में, जब भी मेरे को मौका मिलता था मैं जाके यू नो आराम से कहीं एक जगह पे बैठता था। जंगल सफारी इज द सेम थिंग फॉर मी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यू नो मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाता हूँ। बिल्कुल। बट यस, मेरे दोस्त वगैरह जो है, सुमेश लेखी वगैरह, वो बहुत ही रिनाउंड फिल्म मेकर्स है। ये मेरा नसीब है कि मैं उन जैसे लोगों के साथ मेरे को जाने का मौका मिलता है, उनसे सीखने को मौका मिलता है, एक्सपीरियंस करने को मौका मिलता है। आई थिंक दैट इज़ द की ये जंगल सफारी का। But yeah, what amazing experiences, शेर चार्ज करना, हाथी चार्ज करना, these are all life changing moments। बिल्कुल बिल्कुल सर, you know and वो experience होना चाहिए यार, जिंदगी को पूरा जीना चाहिए। मौका मिला तो कर लो। बिल्कुल। So one more question, मुझे पूछना था, मयूर देव as a person, आपके फेवरेट फिश कौन से हैं सर, अपार्ट फ्रॉम प्लांटेशन के छोड़ के? आई गेस, जैसे मैंने कहा था, आज भी मेरे को वो अपिस्टोग्रामास बहुत पसंद है। हाँ, बट या आई स्टिल विल फेवर टुवर्ड्स अपिस्टोग्रामास थोड़ा। सो बट इफ यू हैव टू चूज एनी टॉप 5, देन व्हाट विल यू चूज? आई थिंक आई विल चूज अपिस्टोग्रामास, Lyre tail killies, okay. Killifish, yeah. That's I like them a lot. मेरे को बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है, बट देयर इज अ फिश कॉल्ड दी एट्रोपलिस कैनारियंसिस. ओके, बहुत ही सुंदर फिश है, बहुत ही सुंदर फिश है. एक पर्टिकुलर जगह में मैंगलोर में कुमटा करके गांव के पास नदी में ही मिलता है. वाओ, ओरिजिन इंडियन फिश, इंडियन फिश. अनदर फिश ऑफ कोर्स इज द इंडियन पंटिस डेनिसोनी, अगेन केरला में मिलता है. इट्स अ वेरी सैड, अभी आजकल इंडिया में ही नहीं मिलता है. इट्स वेरी वेरी सैड. सो आई थिंक एंड या वन ऑफ अगेन फेवरेट टॉप 5 लिस्ट में चना बरका. सो आई थिंक मोर इंडियन फिश देन अदरवाइज, बट ज़्यादातर हाँ एक वो अपिस्टो इस साउथ अमेरिकन किली फिश, थोड़ा अफ्रीका इंडिया सब जगह मिलता है, बट बाकी सब इंडियन फिश ही है मेरे लिस्ट में. सो और एक सवाल था कि आपने ऑलमोस्ट ये आपके फिश जर्नी में सब फिश मतलब रखे रहेंगे, तो ऐसा कोई फिश रहेगा कि जो आपका ड्रीम फिश है वो अभी तक आपने नहीं रखा है, ऐसा कोई फिश होगा क्या? ऐसे काफ़ी सारे फिश है एक्चुअली, इतने सारे स्पीशीज़ है, इतने सारे वेराइटीज़ है कि रख नहीं पाते. सो व्हाट विल बी एक टाइम में बहुत कोशिश किया था हमने, एक वैम्पायर फिश करके आता है, उसका साइंटिफिक नेम मेरे को अभी इमीडिएटली याद नहीं है, बट वो एक ऐसा फिश है जो पिराना को खाता है. ओके, सो वो अमेजिंग फिश था, बट आई मीन वी आर नेवर एबल टू गेट इट इंडिया में, बट दैट वाज एन अमेजिंग फिश विच आई ऑलवेज वांटेड टू मे बी ट्राई समझने के लिए. एंड यू नो काफ़ी सारे ऐसे फिश है जो मेरे को आज भी बहुत इंट्रीगिंग लगते हैं. You know, one of my very favorite fish is the Asiatic जो साउथ अमेरिकन फिश है, बहुत सुंदर फिश है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिश. वो भी मेरे को आई थिंक शायद मैं नहीं रख पाया, मे बी नॉट बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी, बट जस्ट नहीं हो पाया. सो ऐसे है काफ़ी सारे हैं. मयूर सर, मुझे एक बात पूछनी थी. अभी आज मतलब अभी काफ़ी हॉबिस्ट एक्वेरियम फील्ड एज अ प्रोफेशन में आ गए, तो उनके लिए कुछ टिप्स या कुछ आप बता पाएंगे? आप भी हॉबीस्ट हो निरंजन, आप भी अभी ऑलमोस्ट प्रोफेशन में आ चुके हो, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, एंड मैंने शायद आपको भी यही एडवाइस दिया है एंड सबको वही एडवाइस दूंगा कि यू नो बी पैशनेट. बिल्कुल, बी पैशनेट. बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, 12th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरे को एक्वास्केपर बनना है, ये करना है, वो करना है. पढ़ो, एक डिग्री रखो, पढ़ाई करो, एंड हॉबी शौक है, मेन स्ट्रीम नहीं है. बिल्कुल, ठीक है. हाँ, अगर मेन स्ट्रीम बनाना भी है तो पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो. ओके, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो फिशरीज ज्वाइन करो, फिशरीज में +2 +1 करो अगर है, या डिग्री फिशरीज में करो, ताकि आप सब्जेक्ट समझो. ये बहुत जरूरी है. एंड फिर उसके बाद आप यू नो यू अ प्रोफेशन चुनो. ओके, प्रोफेशन अच्छा है बिकॉज इट्स अ सप्लाई डिमांड थिंग. बिल्कुल, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, अच्छे लोग कम, तो जगह बहुत है, बट बिना सीख के, बिना समझ के, बिना एक समझदारी के, बिना एक पैशन के, एंड बिना कुदरत के तरफ प्यार के आप ये प्रोफेशन में सक्सेस नहीं पा सकोगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सर, मुझे पूछना था कि अभी इंडिया में जो एक्वेरियम अभी इतना तेजी से बढ़ गया है, तो एज मयूर देव आप फ्यूचर क्या देखते हैं इंडियन एक्वेरियम? सी, मैं सोचता हूँ कि इंडियन एक्वेरियम हॉबी जो है, इफ़ यू कंपेयर इट टू अमेरिका या जर्मनी या जापान, हम लोग एक 5-6 साल पीछे हैं. ओके, पहले तो वो 5-6 साल कवर अप करना है. कैसे? नॉलेज. ओके, सी, नॉलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा. मेरा हर एक वीडियो इसमें कोशिश रहता है कि मेरे तरफ से कुछ नया सीख मिले लोगों को. बिल्कुल, बिल्कुल सर. बट इसमें पूरा इंडस्ट्री लगता है. ओके, शॉपकीपर्स हो या स्मॉल हॉबीस्ट हो, सी वो क्या होता है, अपने कुछ तो उनके मन में आता है, कुछ तो बोल देते हैं, यू नो वो बेचने के चक्कर में कुछ बोल दिया, या यू नो एंड जस्ट बिकॉज टू शो ऑफ कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, कुछ बोल दिया. बिल्कुल, ये सब गलत बातें हैं. इफ यू डोंट नो द सब्जेक्ट, डू नॉट कमेंट. बिल्कुल, ओके, ये आई थिंक. एंड सीखो, जितना सीखना चाहते हो सीखो, तो इंडस्ट्री में बहुत फ्यूचर है, बहुत ही फ्यूचर है. And that is my advice. Please read, learn, study, understand, feel. बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर. अभी फ्यूचर की बात ही निकली है तो मयूर देव सर एज अ एक्वास्केपर आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं निरंजन. ऑफ कोर्स अभी जो 100% होने वाले हैं वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स नए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. ओके ओके, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स, काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स है. बिल्कुल. एंड आई मीन वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड्स को टक्कर देने वाले प्रोडक्ट्स हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत जल्दी आ जाएगा सब मार्केट में. फिर हॉबीज के लिए हमने कुछ नया चीज़ प्लान किया है कि जैसे जो एक्वास्केपर्स है, सीरियस एक्वास्केपर्स को हम पूरा जो मटेरियल वगैरह है दे के सपोर्ट करना चाहते हैं कॉम्पिटिशन्स में. वो एक ये है. हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू हो रहा है. बिल्कुल. नाउ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजुअली ज़्यादातर सेल्स प्लेटफॉर्म होता है कि हाँ मैंने वेबसाइट बना दिया, आप इधर खरीद सकते हो. हमारा फोकस हाँ खरीदना तो है ही, इट्स अ सेकेंडरी फोकस. यू कैन बाई फ्रॉम द वेबसाइट, बट ज़्यादा फोकस हमारा नॉलेज पे है. Okay. हमारा पहला ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप वाटर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो, आपको आपके टैंक में क्या साइज के कितना mm का ग्लास लेना है वो सेलेक्ट कर सकते हो. सब कुछ नॉलेज बेस्ड, सो इंफॉर्मेशन का एक भंडार क्रिएट कर रहे हैं हम लोग. बिल्कुल. एंड सो उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, आइडियाज है, देखते जाओगे. प्लस मैं आई वांट टू गेट ऑल द यूट्यूबर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म. हॉबीस्ट वी वांट टू डू समथिंग एज अ थिंग. हमने एक स्कूल का सोचा है. Okay. और उसके भी काम चल रहा है, एक्वास्केपिंग एंड एक्वेरियम रिलेटेड एक स्कूल जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिले. wow. आज के डेट में बहुत सारे स्कूल्स है. ठीक है, बहुत सारे नहीं, एक दो है जहाँ पे स्कूल ऑफ एक्वास्केपिंग ये वो करके बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन आपका वो सर्टिफिकेट आपका कोई काम का नहीं है. बराबर. मैं ऐसा करना चाहता हूं जहां पे आपको वो जो सर्टिफिकेट है, आप बैंक जाओ और लोन अप्लाई करके एक लोन लेके आपको बिजनेस स्टार्ट करने तक आपका वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए सर्टिफिकेट. मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड. तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं. तो बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे आइडियाज है सर. अभी आपने जो प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जो सर, तो एपीआई क्या है और थोड़ा कुछ उसके बारे में बता पाएंगे? API इज कंपनी जो हमने स्टार्ट किया है. एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया, इट्स अ पार्टनरशिप कंपनी. उसके जरिए हमारा उद्देश्य ये था कि हम वो प्रोडक्ट्स दें हॉबीस्ट को जो गुड क्वालिटी भी हो और अफोर्डेबल भी हो. ओके. एक्चुअली वो एक ही सेंटेंस में फिट नहीं होता. अफोर्डेबल मतलब वो क्वालिटी के हिसाब से, उनके जेब के हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज हर एक का अफोर्डेबिलिटी अलग रहता है. तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर एक्चुअली जेन्युइनली गुड फॉर द हॉबी. मतलब सी अभी हम लोग एक फिश फूड ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं. सी यहाँ पे तामझाम कुछ नहीं है. This is a out and out देसी हैंडमेड हाई क्वालिटी. मतलब हैंडमेड जब बोलते हैं तो ये नहीं कि हाँ वो हाथ से नहीं, मतलब लिटरली हर एक छोटा छोटा चीज हम लोग चेक करते हैं. बिल्कुल सर. ठीक है, उसका इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, उसका क्वालिटी चेक करते हैं, तब जाके वो फूड में जाता है. So this is all these products are made in India. Okay. All made in India. So we're working towards that. Okay. और उसमें मतलब सर रेंज क्या रहेगा? मतलब मेडिसिन्स इंक्लूड होगा या मतलब आप देखते जाओ. ओके ओके, सब कुछ इंक्लूड होगा. ओके, मतलब प्लांटेशन. सी मेरा इंटेंसी मेडिसिन्स बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है. बिल्कुल सर. आप अपने घर में बना सकते हो. बिल्कुल. ठीक है, इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड केमिकल फॉर्मुलेशन. कुछ फॉर्मूलाज है वो आप यूज करोगे तो आप कोई भी मेडिसिन बना सकते हो. बिल्कुल. बट वो मेडिसिन काम करेगा. ओके. सी बिकॉज मेरा इंटेंशन है कि जब आप मेडिसिन डालो, सी मैं हमेशा बोलता हूं कि बिना रीजन का कोई मेडिसिन मत डालो टैंक में. बराबर. ठीक है, आप अभी टैंक्स मेरा देख रहे हो, मैं इसमें कोई केमिकल या मेडिसिन यूज नहीं करता. ओके. वो फिश को आप ठीक कर सकते हो अगर आप समझते हो कि उसका प्रॉब्लम क्या है. बराबर. सो उसको सी अगर पेट में दर्द है तो पेट दर्द का दवाई ही देना जरूरी है। बिल्कुल सर, सर दर्द का दवाई काम नहीं करेगा। हमारे हॉबी में यही हो रहा है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो फिश को मेट्रोजेल डालो। सी मेट्रोजेल कंपनी वाला तो लूट रहा है बिकॉज, बट मेट्रोजेल इज टोटली यूजलेस फॉर योर फिश। बिल्कुल सर, एक्सेप्ट फॉर सर्टन पर्टिकुलर रीजंस, एंड वो भी डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। सो ये सब समझना, वो सब समझ के, एंड ये भी समझ के कि हॉबीइस्ट हम लोग जो बोलते हैं वो सुनते नहीं है, वो अपना ही करेंगे, उस हिसाब से मेडिसिन बना रहे हैं ताकि अगर उन्होंने 2 ड्रॉप ज्यादा डाल भी दिया तो फिश को तकलीफ नहीं होगा। सो एंड मोस्ट ऑफ दीज मेडिसिन आर, आई मीन इट्स नॉट अ सीक्रेट थिंग बट इट्स डिराइव्ड फ्रॉम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। सो बहुत सारा स्टडी गया है, रिसर्च गया है। सर अभी एक मैं बात पूछना चाहूँगा कि कई हॉबीज़ को एक प्रॉब्लम आती है, डिसीज मालूम पड़ता है लेकिन वो डायग्नोज नहीं कर पाते टाइम पे या अर्ली स्टेजेस पे, तो उसके बारे में कुछ टिप्स? सर एक ही टिप है सर। हाँ सर, पहले जो फिश आप रखते हो उसके बारे में जानकारी लो। बिल्कुल, फिर एक ही टिप है। मयूर सर वो स्टिल वाटर एक्वेरियम्स वो क्या है, कुछ बता पाएंगे आप? स्टिल वाटर एक्वेरियम्स हम इस कंपनी से ADA का प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया में काफ़ी सारे दूसरे ब्रांड्स हैं, स्टिल वाटर एक्वेरियम्स में हम एक्सक्लूसिवली ADA का ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके ओके, तो हमारा 2 कंपनी चलता है, एक सिर्फ ADA प्रोडक्ट्स के लिए जो स्टिल वाटर एक्वेरियम्स इंडिया LLP, एंड बाकी सारे ब्रांड्स के लिए एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया LLP। So both the companies are owned by you? Yes. So thank you very much मयूर सर, आपने आपके बिजी शेड्यूल से डिस्कस निंजा के लिए टाइम दिया और आपने काफ़ी आपकी पर्सनल लाइफ जर्नी शेयर की, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच निरंजन, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल में आने के लिए, एंड हाँ आपने प्यार से पूछा तो मैंने बता दिया। थैंक यू। ठीक है, सो आई थिंक एज ऑलवेज मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये जर्नी एंड यू नो ऑल ऑफ दिस आपको पसंद आया हो। डिस्कस निंजा से निरंजन इज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, मैं भी उनका वीडियोस देख चुका हूँ डिस्कस के बारे में वगैरह वगैरह। थैंक यू सर। हम थोड़ा कोलैबोरेट भी कर रहे हैं और थोड़ा ब्रीडिंग वीडियोस भी बनाने वाले हैं, डिस्कस निंजा एंड मयूर देव एक्वास्केपर दोनों हम लोग बनाने वाले हैं। वो आप देखने वाले हो, बने रहो, सब्सक्राइब करो निरंजन के चैनल पे, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, इट्स एंड हेल्प हिम ग्रो एंड हेल्प हिम मेक बेटर वीडियोज। ठीक है, थैंक्स अगेन सर। सो आज मेरे तरफ से डिस्कस निंजा के तरफ से आप सबको एंड आपके पूरे फैमिली को, सब लोगों को थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। डिस्कस निंजा देखते रहो, निंजा। थैंक यू सर। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप मयूर सर की बातों से आप सभी को काफ़ी नॉलेज एंड इंस्पिरेशन भी मिला होगा। जैसे कि अभी मयूर सर ने मेंशन किया था कि मयूर देव एक्वास्केपर एंड डिस्कस निंजा के कोलैब में कई सारे फ्यूचर में वीडियोस आने वाले हैं, तो उन्हें भी चेक करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।